अरब स्प्रिंग एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा क्रांति अभियान जिसने देशों को बदल दिया। भैया ये ऐसा भयंकर अभियान था ना, 2010 में ये शुरू हुआ। मोहम्मद बुआजिजी एक स्ट्रीट वेंडर जिसने अपने आप को आग लगा ली पेट्रोल छिड़क के, क्योंकि उसको बहुत ऑफिशियल्स परेशान करते थे, घूस मांगते थे, तंग आकर उसने आग लगा ली और वो चिंगारी ऐसी भड़की कि बहुत सारे देशों को ले डूबा, वो पूरा तख्ता पलट हो गया और बहुत से देशों के अभियान, जैसे भारत का इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे वाला याद है ना, 1% versus 99% की जो डिबेट है, अमेरिका में लोगों ने वॉल स्ट्रीट जो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है घेराव कर लिया और बोला कि सारे के सारे 1% अमीर यहीं तो बैठते हैं, वहां पे उन्होंने घेराव करके वहां पे भी अभियान चलाया। तो काफी देशों के लिए ये प्रेरणा भी साबित हुआ और इस अरब स्प्रिंग ने पूरे डायनेमिक्स ही चेंज कर दिया। लेकिन एक इंसान का हश्र जो था बहुत बुरा हुआ, भगा भगा के मारा गया उसे। बहुत ही डिस्टर्बिंग फुटेज है उसकी यूट्यूब पे। बहुत लंबा रूल खत्म हुआ, उनका नाम था मुआमर अल कद्दाफी। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मुआमर अल कद्दाफी की बायोग्राफी, गद्दाफी भी इनको बोला जाता है, उसका रिव्यू करने वाले हैं। लीबिया के ये बेसिकली लीडर थे और बहुत ही लंबा रूल चला था, पूरा ही इन्होंने तख्ता पलट करके अपने हाथ में सत्ता ली थी और अजीबोगरीब रिफॉर्म चलाए थे, पूरी कंट्री को गड्ढे में ले गए थे, लोग त्रस्त हो गए थे। इसी की वजह से इनके खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ा कि इनका जो हशर हुआ ना बहुत ही बुरा हुआ। देखेंगे हम एक एक चीज, पार्ट वन और पार्ट टू में लेक्चर आएगा, ये इसका पार्ट वन है। कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज को लेके मेरे फेसबुक पेज से @education_connect पे आप पूछ सकते हैं, मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यंग गद्दाफी गरीबी से उठे और शिखर तक पहुंचे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। काफी गरीब फैमिली से थे ये और बहुत लीडर्स को फॉलो भी किया था। भैया ब्रूटल लीडरशिप थी इन्होंने, रिफॉर्म तो बहुत चला है, शुरू के 5 साल जबरदस्त, लेकिन उसके बाद ऐसा फॉल हुआ, इन्होंने डेमोक्रेसी ही हटा दी, बोल दी जाओ पब्लिक रूल करो। अरे भैया लॉ एंड ऑर्डर जब खत्म कर देंगे तब तो गए काम से, ठीक है। और ऐसी हालत हुई लोगों की, ऐसी हालत हुई, ऐसा होता था कि मान लीजिए एक फैमिली है, उसका एक इंसान जो आदमी है, जो अर्निंग मेंबर है, वो घर से बाहर जाता था कमाने के लिए और जब वापस आता था तो अपने घर में आतंकवादियों को पाता था, गुंडों को पाता था। ऐसी हालत हो गई थी देश की, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, पर्दा डालेंगे। टर्न अराउंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से टर्न अराउंड हुआ, बॉम्बिंग्स की थी अल गद्दाफी, हालांकि अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है, लेकिन इनका काफी हाथ रहा था, टेररिस्ट फंडिंग में भी हाथ रहा था, रेवोल्यूशनरी ग्रुप को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, वो भी सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अरब स्प्रिंग, हालांकि अरब स्प्रिंग पे मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा, एक्चुअली बेसिकली मेरा एम जो है वो अरब स्प्रिंग ही है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि डिक्टेटर जो मिडिल ईस्ट के जो डिक्टेटर्स है उनका आपको पता हो, ताकि जब अरब स्प्रिंग आए तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। हालांकि अरब स्प्रिंग में भी मैं सारे डिक्टेटर जो भी हैं, जो भी रूलर्स थे, उन सब का रिव्यू करूंगा और वो हालांकि अगले पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। और फाइनली उनकी डेथ, तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हम देख लेते हैं भैया लीबिया कहाँ है। ये आप देख सकते हैं अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में है, इजिप्ट बगल में है, अल्जीरिया बगल में है, ठीक है। देखिए लीबिया और इजिप्ट में बहुत ही जबरदस्त रिलेशन थे और मुअम्मर अल गद्दाफी तो चाहते थे कि ये दोनों एक हो जाए, हालांकि ये पूरा का पूरा यूनिफिकेशन ही मांगते थे, लेकिन फिर भी ये चाहते थे कि दोनों एक हो जाए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूनिटी बनी रहे। यूएसए और रशिया, ये दो वर्ल्ड थे बेसिकली, वर्ल्ड वॉर टू के बाद सारे के सारे डायनेमिक्स चेंज हो गए थे, तो गद्दाफी चाहते थे कि एक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड वर्ल्ड क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे क्या चीज है, होगी उसमें, ठीक है। तो ये मैप है, ठीक है, आप देख सकते हैं लीबिया की कैपिटल क्या है जरूर बताइएगा, इजिप्ट की कैपिटल क्या है जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनली चाइल्डहुड देखते हैं। बहुत ही गरीब इंसान थे, गरीब परिवार से थे, रेगिस्तान में पले बड़े थे। एक चीज बोली जाती है मुअम्मर अल गद्दाफी के बारे में कि ये जो थे क्वालिटी इंसान नहीं थे, मतलब इनको एडिकेट्स नहीं था, इनको पता नहीं था कैसा बिहेव करना है। जब भी इंटरनेशनल टेबल्स पे जाते थे, इंटरनेशनल टेबल्स मतलब इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स होती थी वो डिस्कस करने, या डिनर पे जाते थे बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ, तो इनको पता नहीं था कैसे बिहेव करना है। क्यों? क्योंकि ये तो रेगिस्तान से आए थे ना, जमीन से जुड़े हुए इंसान थे ये, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि ये जो थे, जब भी ये बहुत परेशान होते थे ये उसी रेगिस्तान में जाते थे, ठीक है।
इनको डेजर्ट बहुत पसंद था, बोलते थे मेरा जन्म स्थान वही है, तो हमेशा वहां पे जाके इंट्रोस्पेक्शन के लिए जाते थे। वैसे भी जो आपका जन्म स्थान होता है उससे आप इमोशनली तो अटैच होते हैं। इनका जन्म सिरते लीबिया में हुआ था 1942 और 43, पता नहीं ये कब हुआ था, इसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन डेजर्ट में पैदा हुए थे भैया। और इनकी जो मदर थी उनका नाम था आयशा, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल सलाम बिन हामिद बिन मोहम्मद, बहुत ही लंबा नाम था, लेकिन इनके पिताजी नोमैडिक थे, नोमैड थे ये, ठीक है। तो अब नोमैड्स क्या, ओहो ये तो पीछे चला गया, आई एम सॉरी, ठीक है। नोमैड्स कौन, माइग्रेट करते रहते हैं डेजर्ट टू डेजर्ट, ठीक है। तो नोमैड थे ये और इसीलिए काफी इन्होंने झेला है, जमीन से जुड़े हुए थे। जब इनका जन्म हुआ था ना तो वॉर चल रहा था भैया, वर्ल्ड वॉर टू 1945, उस बीच में, मतलब 1939 से 45 बताने की जरूरत नहीं है, सबको तो रटा ही है, उस बीच में इनका जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि भैया ये वॉर चाइल्ड थे और शुरू से ही ये किस्से सुनते आते थे। हालांकि अभी हम देखेंगे पूरा वॉर का और लीबिया की भी थोड़ी देखेंगे कि उस समय क्या कंडीशन थी, ठीक है। तो ये वॉर टाइम पे ये बेसिकली ये पैदा हुए थे और उन्होंने काफी कुछ झेला। 1948 में भी अरब इजराइल वॉर, फिर इजिप्शियन रेवोल्यूशन 1952 में आया था, नासिर जो थे वो जो कि इनके हीरो थे उनके लीडरशिप में इजिप्शियन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। तो एक तरह से इन्होंने काफी कुछ देखा भी है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब क्या होता है कि एक चीज और बताना चाहूंगा, ये बिदुइन थे, ठीक है। ये बिदुइन कौन होते हैं, ये बेसिकली नोमैडिक पीपल होते हैं अरब डेजर्ट में, तो ये इस कल्चर को फॉलो करते थे, इसके लिए इनको बड़ा चढ़ाया जाता था। ये स्कूल, जब स्कूल में गए थे ये एनरोल हुए थे, शुरुआती इनकी जो शिक्षा थी वो तो मॉस्क में हुई थी, मस्जिद में हुई थी, ठीक है। पूरा रिलीजियस टीचिंग्स इन्होंने शुरू में अटेंड की थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये स्कूल गए थे तो इसकी वजह से, क्योंकि भैया स्कूल में तो बड़े बड़े लोग आते हैं और अच्छा स्कूल था, काफ़ी टाउन में शिफ्ट हुए थे, तो बड़ा चढ़ाते थे इनको कि अरे ये तो रेगिस्तान से आया है, बेकार इंसान है। लेकिन ये कभी भी इससे लेट डाउन नहीं हुए, बल्कि बहुत ही गर्व फील करते थे कि मैं इस डेजर्ट से आया हूँ। और जो लोग बिदुई कल्चर के थे उनको भी ये बड़ा मोटिवेट करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब क्या था कि देखिए, गद्दाफी को ये पता था, जैसा कि मैंने बताया वॉर में पैदा हुए थे, और ये भी पता था कि किस तरह से यूरोपियन जो होते हैं वो लीबिया में कॉलोनाइज करते हैं, अपनी अपनी कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। यूरोप, अफ्रीका तो लगभग काफी कंट्रीज थे जो यूरोप की कॉलोनी रहे हैं, ब्रिटिश पूरा रूल किया है, इटली लीबिया पे हमेशा कंट्रोल किया, ठीक है। बेनिटो मसोलिनी, मैंने उनका रिव्यू किया है, आप जरूर देखिएगा, 1920s में बेनिटो मसोलिनी बहुत जबरदस्त तरीके से लीबिया पे रूल किया, ठीक है। अब बेनिटो मसोलिनी का रूल जो था बहुत ब्रूटल था, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। वो तो बोलते थे भैया ये लोग जीने के लायक नहीं है, क्योंकि क्या है कि क्या था कि हिटलर से प्रभावित थे, पूरी की पूरी तरह एक्सपैंड करना चाहते थे, बोलते थे इनको पॉइजनस, इन पे पॉइजन गैस छोड़ दो। कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए हुए थे जहां पे लीबियंस को भयंकर तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था, मारा जाता था, काटा जाता था, बुरी तरह इनके साथ सलूक किया जाता था। 1945 में जब इटली का पतन हुआ, फाइनली लीबिया इंडिपेंडेंट हुआ 1951 में, उसके बाद भी चीजें सही नहीं हुई, ठीक है। तो इटली का जो राज था वो बहुत ही ब्रूटल था, ठीक है। इन सब चीजों से अवेयर थे ये, और ये सारी कहानियां जो थी ये ब्रूटैलिटी की ये सुनते आते। तो हमेशा से ही मैं कहता हूं कि भैया बचपन में जैसी मेंटेलिटी हो जाएगी वैसे ही बड़े तक रहती है, ठीक है, वो दिमाग में घर जकड़ जाती है। अर्लीस्ट एजुकेशन तो मस्जिद में इन्होंने की थी, उसके बाद इनको पता चला कि मुझे बाहर पैर निकालने पड़ेंगे, तो ये फिर टाउन में शिफ्ट हुए, साबा में ये जाते थे, वहां पे मतलब इनकी फैमिली मूव हुई और वहीं पे इन्होंने शुरुआती एजुकेशन ली। लेकिन अब क्या हुआ कि 1961 में ये मिलिट्री स्कूल में भी गए, बेंगाजी में मिलिट्री स्कूल था, मिलिट्री कॉलेज था, और उसके बाद 1966 में ये यूनाइटेड किंगडम भी गए। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, पूरे डायनेमिक्स चेंज हो गए, काफी कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस भी हासिल की, उसमें लीबिया भी एक था, लीबिया को भी इंडिपेंडेंस मिली। किंग इद्रिस के मतलब किंग इद्रिस थे उस समय जब इनको इंडिपेंडेंस मिली, तो इनके भी यहां पर रूल किया, और वो जो रूल था ना वो बहुत खतरनाक था। किंग इद्रिस ने भी एक्चुअली ये वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ऐसा बोला जाता था कि पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इनको सपोर्ट कर रहा है, और ये वहीं से ही हैं, उनका सपोर्ट है तो भैया वेस्टर्न वर्ल्ड तो अपने ही देखेगा, ठीक है, वो अपने ही जो भी अपनी एडवांटेज देखेगा और अपने ही प्रॉफिट देखेगा। तो लोगों की गुस्सा इनके खिलाफ बहुत बढ़ता गया और लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, लोग जो है भाड़ में गरीबी बढ़ती गई। भैया बहुत जल्दी तेल डिस्कवर हो गया, अरे बाप रे, तेल तो ऐसी चीज होती है ना,
खजाना होता है रातों रात किसी देश को अमीर कर देता है भैया। हमारे तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब उस हमेशा काफी डिप्लीट होते रहते हैं इसकी वजह से। ठीक है, अमेरिका बहुत चालू है, अमेरिका ने शेल ऑयल खोद खोद के उन्होंने तो अपना सोर्स बचा रखा है। ठीक है, तो ये जब अरब स्प्रिंग हुआ था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि भैया अरब वर्ल्ड में हुआ है, मिडिल ईस्ट में तो तेल का खजाना है, तो बड़ी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो इसमें भी ये भी कभी अगर उधर पे प्रॉब्लम आती है तो हम लोग के भी हाथ पांव बहुत ठंडे हो जाते हैं क्योंकि हम लोग मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। तो जब ऑयल डिस्कवर हुआ तब तो भैया इनकी बल्ले बल्ले, इन्होंने जबरदस्त तरीके से उसको यूज करना शुरू किया। ठीक है, और बाद में इसी चीज का फायदा मोहम्मद अल गद्दाफी ने भी उठाया। ठीक है, उस समय इजिप्शियन रेवोल्यूशन भी हुआ था, गमाल अब्दुल नासिर इनके हीरो भी थे, बहुत ज्यादा मानते थे इनको, उनके लीडरशिप में इजिप्ट को भी मतलब पूरा का पूरा वहां पे भी एक तख्ता पलट हुआ और बहुत ही अच्छे से वहां पे भी रेवोल्यूशन आया। ठीक है, एक इंसान ऐसे थे उमर मुख्तार, ये इनके ये लेजेंड थे बेसिकली। ये थे कौन, इटली पे जब बहुत भयंकर इटली ने जब एकदम तबाही मचा रखी थी लीबिया में, तब एक इंसान उनके खिलाफ खड़ा हुआ, वो थे उमर मुख्तार। उन्होंने एकदम हीरो की तरह सामना किया और जबरदस्त तरीके से लोगों को हराया भी, इटालियंस को हराया और खदेड़ फेंका था उन्होंने। ठीक है, खदेड़ दिया था। तो इनकी स्टोरी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे मोहम्मद अल गद्दाफी और बोलते थे भैया अगर कुछ भी लीडर हो तो ऐसा हो, लेजेंड है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। 1964 में इन्होंने गद्दाफी ने सेंट्रल कमिटी ऑफ फ्री ऑफिसर्स भी बनाई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब 1966 में जब ये यूके गए थे तो अब क्या हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम, पहली बात तो ये लंदन मतलब यूके और ब्रिटिश से तो बड़ा चिढ़ते थे ये। ठीक है, बहुत ज्यादा चिढ़ते थे ये ब्रिटिश किंगडम से, तो यूनाइटेड किंगडम से, और वहीं पे जाके मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बहुत से ऑफिसर्स बोलते थे, देखिए ये जैसा कि मैंने बताया काफी जमीन से जुड़े हुए इंसान थे, तो ये अपने बिल्कुल रिलीजियस लिबास में निकल जाते थे सड़कों पे, जो इनका ट्रेडिशनल आउटफिट होता था वो लोगों को पसंद नहीं आता था। तो काफी यूके वाले इनको बहुत टॉन्ट मारते थे और इनको नीचा दिखाते थे, ऐसा अल गद्दाफी कहते हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम के जो मिलिट्री ऑफिसर थे वो बोलते थे कि ये पागल है। ठीक है, ये एकदम, इसको तमीज नहीं है बात करने की, इसको तमीज नहीं है कुछ भी करने की, और बिल्कुल फेलियर है। ये चीज तो सच थी। देखिए, सच क्या थी कि मिलिट्री मोहम्मद अल गद्दाफी एक मिलिट्री मैन नहीं थे, उनको बंदूक चलाना नहीं आया, वो लड़ने में बिल्कुल बेकार। ठीक है, सबसे फिसड्डी, क्योंकि एक आर्मी तो एक्सपेक्ट करती है ना कि आप इन सब चीजों में एक्सेल करें, तो जो भी क्वालिटीज होती है आर्मी के लिए वो बिल्कुल वो फेल थे, उसमें कुछ भी नहीं थी। बट एक चीज उसमें ऐसी थी कि जिससे भैया जंग जीती जा सकती थी, वो थी उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। गजब के ओरेटर थे वो, और किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर लेते थे, और एक कैरिज्मा था उनमें, चमत्कारी एक उनमें क्या कहते हैं कि चमक थी, जिससे लोग जो थे बहुत प्रभावित हो जाते थे। तो वहीं से उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और राइज करना शुरू किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब क्या हुआ था कि वो जनरल भी थे, इद्रिस की आर्मी में जनरल बने वो, ये सारी चीजें पूरा का पूरा ये मिलिट्री अटेंड करके आए। उस समय वैसे भी लीबिया में इतना आसानी तो था नहीं एजुकेशन को अटेंड मतलब एजुकेशन को लेना। ठीक है, तो जो भी उस समय एजुकेटेड पर्सन होता था उसकी काफी इज्जत भी होती थी और ओहदा भी अच्छा मिलता था। तो गद्दाफी को ओहदा अच्छा मिला, इद्रिस की आर्मी में जनरल थे, और आपको एक और बात बता दूं कि ये बड़े बड़े लीडर्स को इमिटेट भी करते थे। ये बोलते थे कि जैसे उमर मुख्तार थे, जैसे इद्रिस है, वैसे ही मैं भी बनूंगा। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनका मतलब रहता था ये। अब सिक्स डे वॉर भी ब्रोकआउट होता है भैया, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन तीनों डिफीट हो जाते हैं इसराइल से और वेस्टर्न पावर की हेल्प से। ये जो ह्यूमिलिएशन होता है ना, ये जो डिफीट होता है कि छह दिन में हार गए, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसमें एक तो गद्दाफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और उसके बाद किंग इद्रिस जो है उनके दिन पूरे हो गए होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी उनकी पोल खुल गई होती है कि पूरा का पूरा वेस्टर्न इंसान है और 110% इनका ही हाथ था इनको जिताने में, तो इनको उखाड़ के फेंको। तो 1969 में ये एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनकी आर्मी में जनरल होते हैं और ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अब तो ऐसा है भैया, इस पार या उस पार। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जाते हैं रेडियो में, हर जो प्रोमिनेंट साइट है, उस समय क्या होता है, ये 1 सितंबर 1969 की बात है ये, उस समय किंग इद्रिस शहर में नहीं होते, ठीक है, बाहर होते हैं, वो टर्की गए होते हैं। ठीक है, अब सीधा रेडियो जाते हैं और रेडियो पे बोलते हैं
रेवोल्यूशन ने अपना काम कर दिया एंड रेवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस। ये बोलते ही सबको समझ में आ जाता है जितने भी वहां पे लोग होते हैं, क्योंकि उस समय रेडियो ही सबसे बड़ा माध्यम था कि फाइनली क्रांति आ गई है और किंग इद्रिस को ओवरथ्रो कर दिया गया, एकदम से तख्ता पलट हो गया है, किंग इद्रिस अब वापस ना ही लौटे। सबसे बड़ी बात थी एक भी इंसान इसमें एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। आप देखिए कितना दिमाग लगाया है, अगर एग्जीक्यूट करते या मारामारी कर देते या किंग इद्रिस के जो भी लॉयल थे उनको खत्म करना शुरू कर देते जैसा कि और पॉलिटिकल लीडर्स ने उस समय करते थे, ठीक है, कोई भी हो, सबने किया है, चाहे वो लेनिन हो चाहे वो माओ हो, सबने किया है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया बहुत चालाकी से। क्यों नहीं किया? उनको पता था पहले लोगों का ट्रस्ट जीतो उसके बाद फिर रूल करना शुरू करो। अभी आगे देखेंगे इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। लोग बहुत खुश थे इस चेंज से, उन्होंने कहा कि चलो फाइनली कुछ अच्छा होगा। गद्दाफी ने रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आरसीसी बोलते थे, बाद में आरसीसी ने सब कुछ ऑक्यूपाई कर लिया था, सब अपने हाथों में ले लिया था और उसके चेयरमैन बने थे ये, ठीक है, और कमांड इन चीफ भी आर्म्ड फोर्सेस के बन गए थे। देखिए एक तो आपको बता दूं कि अरब स्प्रिंग के बाद, जब अरब स्प्रिंग आया ना तो स्पेशली इजिप्ट में, हालांकि बहुत लोगों पे मतलब ये तो इसीलिए आया था वैसे पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में कि भैया डेमोक्रेसी आ जाए, सेक्युलर स्टेट हो जाए। टर्की एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है, 1920 में टर्की ऑलरेडी सेक्युलर हो गया था, रातों रात वो सेक्युलर हुआ था, ठीक है। भारत सेक्युलर स्टेट बहुत पहले से है, तो डेमोक्रेसी आ जाए, लेकिन अरब स्प्रिंग के बाद डेमोक्रेसी आई नहीं है। बहुत लोगों ने उसका मुखौटा ओढ़ रखा है कि डेमोक्रेसी आई है, ठीक है। इजिप्ट में तो ये हालात है कि भैया पहले तो जब मुस्लिम ब्रदरहुड पावर में आया अरब स्प्रिंग के बाद, उन्होंने बोला कि ठीक है भैया हम रूल करेंगे, हम बहुत अच्छे से करेंगे, सब कुछ बढ़िया, लेकिन तुरंत आर्मी उस समय फोर्स में आ गई और बोला कि नहीं तुम सेक्युलर नहीं हो, बर्बाद कर दोगे। तो वहां पे प्रेजेंटली आर्मी का पूरा रूल है, आर्मी ने टेक ओवर किया है। हमको अपनी आर्मी पे गर्व होना चाहिए, हमको, वैसे तो सही बात है, आर्म्ड फोर्स जो इंडिया की है वो अपने लिए काम नहीं करती है, वो देश के लिए काम करती है। बहुत से कंट्रीज की आर्मी जो है, जो काफी अच्छी कंट्रीज है जैसे चाइना, उनकी आर्मी देश के लिए काम नहीं करती है, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए लॉयल है, ठीक है, लेकिन हमारी आर्मी हमेशा पर्दे के पीछे काम करती है। तो हमेशा आर्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमको, ठीक है, अपनी आर्मी की तो करनी ही चाहिए। यहां पे भी एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ, इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस, और आर्मी से कैसे आप लड़ सकते हैं, आर्मी से आप लड़ ही नहीं सकते, इजिप्ट में वही हुआ, अरब स्प्रिंग के बाद आप आर्मी, लोग डेमोक्रेसी के लिए वो रेवोल्यूशन आए थे लेकिन एक्चुअली डेमोक्रेसी तो आई नहीं ना, जो लोग ये रेवोल्यूशन लेके आए थे वो तो पीछे हट गए, आर्मी आगे आ गई। अब वो अगर आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट करते, आर्मी के खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे, उनके पास तो सारे हथियार है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आर्मी के पास बहुत ताकत होती है, लेकिन भारत एक बहुत ही जबरदस्त कंट्री है, प्राउड होना चाहिए हमको अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे, जय जवान जय किसान, इसीलिए बोला था लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब आरसीसी ने क्या किया, पूरा का पूरा अपने जो भी पूरा का पूरा अथॉरिटी है वो अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने सब कुछ करना, देखिए शुरू के चार साल में तो जबरदस्त तरीके से प्रोग्रेस हुई, ठीक है, काफी इन्होंने रिफॉर्म्स भी लाए, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाए। इन्होंने वुमेन्स को बहुत जबरदस्त तरीके से फ्रीडम दे दी, औरतों की हालत बहुत खराब रही है, ठीक है, तो उन्होंने पूरी की पूरी वुमेन्स को फ्रीडम दी, ठीक है। इवन बॉडीगार्ड्स भी, मतलब जो अल गद्दाफी के जो बॉडीगार्ड्स थे उसमें एक वुमेन का अलग ही यूनिट था, ठीक है। आर्मी के लिए भी उन्होंने बताया कि आर्मी में भी वुमेन्स को रिक्रूट करना सही रहेगा, तो इनके लिए उन्होंने बड़े अच्छे रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। ऑयल ऑलरेडी डिस्कवर हो गया था, भैया तेल डिस्कवर हो गया था तो कोई बात ही नहीं है, ऑयल रिच कंट्री हो गया था लीबिया, जबरदस्त फॉर्च्यून कमाया, खूब पैसा कमाया, और यहां तक ऑयल कंपनीज को बोल दिया कि भैया तुम ऐसा है हमारी हिसाब से काम करो, अगर हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो नेशनलाइज कर देंगे, मतलब पूरा का पूरा अपने हाथ में ऑयल ले लेंगे। प्राइवेट कंपनी को अगर आप नेशनलाइज करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, और एग्जैक्टली यही हुआ भी, ठीक है। 51% जो ऑपरेशन था वो पूरा का पूरा नेशनलाइज हो गया। भैया 50% से ज्यादा अगर किसी भी आप ओन कर रहे हैं तो आप उसके ओनर हो जाते हैं, एग्जैक्टली 50% से ज्यादा स्टेक आप ओन कर रहे हैं तो आप ओनर ही है ना उस कंपनी के, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक सक्सेस ये प्रूव हुआ, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत बड़ा, ठीक है, आप देख ही सकते हैं ये पूरे के पूरे आंकड़े दिए हुए हैं, और ये अल्टीमेटली $24.5 बिलियन तक बढ़ा, बहुत बड़ी रकम है भैया, ऑयल है तो सब कुछ है है ना। अब इससे जब ये सारी इकोनॉमिक सक्सेस अगर इतना हुआ है तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी काफी इंप्रूव हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है, ये पूरी कहानी नहीं है,
क्योंकि बहुत लोग इनसे बहुत चिढ़ भी गए थे, क्योंकि इनके पॉलिसीज जो थी ना वो बड़ी अजीबोगरीब थी, सिर्फ एक स्टेप लेने से चीजें बदलती नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब क्या होता है, देखिए अब इनकी पॉलिसीज पे थोड़ा नजर डालते हैं। ये तो ये सही है, यहां पे आई होगा, आई एम सॉरी, फर्स्ट फोर इयर्स ये तो ठीक है। शुरू में तो बहुत ज्यादा फ्लरिश की कंट्री ने, बहुत फ्लरिश किया और बहुत अच्छे से, लेकिन एक्चुअली में ये पूरा का पूरा गड्ढे में ले जाने वाले थे। इन्होंने किया क्या, पहले देख लेते हैं, अल्कोहल को पूरा बैन कर दिया, नाइट क्लब्स को पूरा बैन कर दिया, क्रिश्चियंस लोग चर्चेस को हटा दिया, लोगोस जो थे वो अरब में लिखे जाने चाहिए, मतलब अरब स्क्रिप्ट वहां पे होनी चाहिए थी, सारी इंग्लिश को हटा दिया, भैया वैसे भी बहुत ज्यादा चढ़ते थे इंपीरियलिज्म से, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से, ठीक है। सारे के सारे जितने भी कम्युनिकेशन था वो सब अरेबिक में होना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब इन्होंने क्या किया, वुमेन्स के लिए काफी काम किया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वुमेन्स मैरिज के लिए उन्होंने काफी लॉ बनाया, 16 साल से नीचे शादी नहीं, उसके बाद जितने भी सोशल रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटाए, ठीक है। और रेवोल्यूशनरी वुमेन्स फॉर्मेशन, वुमेन्स मतलब रेवोल्यूशनरी वुमेन्स फॉर्मेशन भी किया इन्होंने, ताकि ये रिफॉर्म्स में जितने भी इन्होंने पास किए इसमें और ज्यादा तेजी लाई जा सके, ठीक है। तो ये सारे रिफॉर्म्स थे। तो अब इसमें इन्होंने काफ़ी एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी, भाई जाहिर सी बात है जब इकोनॉमिकली इतनी सक्सेस अगर आ रही है तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़नी बढ़नी है। ये शुरू के साल है भैया, ठीक है, 1969 में हो रहा है, 1972 तक की बात है, 4 साल तो बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त इनका रिजीम रहा, ठीक है, इनका जो रेन था वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद जो इन्होंने पॉलिसीज अपनाई वो बहुत भयानक थी, ठीक है। तो 1969 से 1973 तक पूरा का पूरा जो भी ऑयल था वो पूरा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, तो सोशलिस्ट स्टेट एक उसकी राह पे चला गया था लीबिया की, एक सोशलिस्ट स्टेट। घर नहीं रहने के लिए थे, घर बनाना उन्होंने शुरू किया, हेल्थ केयर सिस्टम उन्होंने शुरू किया, एजुकेशन सिस्टम उन्होंने शुरू किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से पब्लिक में तो इनकी काफ़ी इमेज बढ़ी कि हाँ भैया वाकई एक बढ़िया लीडर आया है और ये हमको चीज़ों से निकाल के ले जाएगा, ठीक है। इसको एक्सपैंड भी किए, हॉस्पिटल को एक्सपैंड किया, यूनिवर्सिटीज में नए रिफॉर्म्स लाए, यूनिवर्सिटी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी को फाउंड किया, क्लासिक यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन कंट्रोल जो पूरा था वो आरसीसी के हाथ में था, ठीक है, रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल, जिसके लीडर थे यही क्या कहते हैं कि मोहम्मद अल-गद्दाफी, ठीक है। अब चीजें बदलना शुरू होंगी, कैसे शुरू होंगी वो हम अगले में देखेंगे। थोड़ी आपको हिंट दे देता हूं, ये चीजें आपको हो सकता है अच्छी लग रही हो लेकिन ऐसा नहीं था, 4-5 साल तक बहुत बढ़िया हाला, लेकिन उसके बाद में गद्दाफी ने डेमोक्रेसी बोला हटा दो, जो पब्लिक का है पब्लिक को दे दो, ग्रीन बुक ला दी। अब इतनी बुरे हालात हो गए कि जब उन्होंने सारी की सारी डेमोक्रेसी हटा दी, डेमोक्रेसी मतलब पूरा का पूरा सब कुछ पब्लिक के हाथ में दे दो, तो लॉ एंड ऑर्डर हट गया, कोई भी किसी को जान से मार देता था, कोई जस्टिस नहीं था, एम्प्लॉयमेंट छोड़िए नौकरियां तक नहीं बची थी, लाशें इधर उधर पड़ी रहती थी, टेररिस्ट को फंडिंग करते थे, सारी चीजें हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो ये मेरे लेक्चर का एंड है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, पार्ट टू जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।